विटामिन से भरपूर होता है पपीता। इसके सेवन से आप मोटापे से दूर रहते हैं, साथ ही पीलिया और डायबिटीज जैसी समस्याओं से भी आप बचे रहते हैं। जिन किडनी के मरीजों का पोटेशियम स्तर बढ़ा हुआ होता है, उन्हें डॉक्टर इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। किडनी के मरीजों को बहुत कम आहार का सेवन करना अलाउड होता है। उन्हें हमेशा ऐसा आहार दिया जाता है जो खाने में हल्का हो और साथ ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, ताकि किडनी के काम में कोई रुकावट न आए। स्वागत है आपका हमारे शो डाइट गुरु में, जहां हम किडनी के मरीजों को ऐसे आहार की जानकारी देते हैं जिसका सेवन मरीजों को अलाउड होता है। साथ ही हम एक आहार सामग्री से बहुत सी चीजों को बनाने का विकल्प भी आपको बताते हैं। आज हम आपको कच्चे पपीते से बनने वाले कुछ आहारों के बारे में बताएंगे। इसका सेवन किडनी के मरीजों के आहार में कुछ बदलाव लेकर आएगा और साथ ही खाने में अच्छा भी लगेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कच्चे पपीते से बनने वाले आहारों के बारे में। लेकिन पहले हम कच्चे पपीते के फायदों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कच्चे पपीते का सेवन आपको डायबिटीज के खतरे से दूर रखता है। इसके सेवन से ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती है, जिससे आप डायबिटीज की समस्या से दूर रहते हैं। कच्चे पपीते का सेवन आपको यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है। इसके सेवन से यूरिन सही मात्रा में रिलीज होता है। इससे आपको यूरिन में जलन और दर्द जैसी तकलीफ नहीं होती। पपीते का सेवन कैंसर जैसी समस्या को दूर करता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देते, जिससे आप ऐसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। जिन्हें लिवर संबंधी परेशानी है, उन्हें कच्चे पपीते का सेवन काफी लाभदायक माना गया है। जिन्हें कभी पीलिया हुआ हो तो उनके लिवर पर काफी प्रभाव पड़ता है, उनका लिवर कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति में कच्चे पपीते का उपयोग काफी असरदार साबित होता है। तो ये है कच्चे पपीते के कुछ फायदे। अब जानते हैं कि किडनी के मरीजों को इससे कौन से आहार बनाकर दिए जा सकते हैं। कच्चे पपीते में पाए जाने वाले पोषक तत्व किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, पर 7 दिन में एक बार। जैसा हमने आपको बताया कि सभी किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है, इसलिए जरूरी नहीं कि सभी मरीज एक जैसा आहार ले सकें। इसलिए कच्चे पपीते को अपने आहार में शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें। उनकी सलाह के बिना कोई भी आहार का सेवन किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। किडनी के मरीजों को कुछ चुनिंदा आहार ही देने होते हैं, जिसमें कई बार समझ नहीं आता कि इस आहार का क्या नया बनाया जाए। हम अपने शो डाइट गुरु में उन सभी आहारों से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। ऐसे ही आज हम आपको कच्चे पपीते से कुछ आहार बनाने की विधि बताएंगे, साथ ही जानेंगे किडनी मरीजों के रोजाना के आहार में ये क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। कच्चे पपीते से आप पपीते की साधारण सब्जी बना सकते हैं। इसकी सब्जी खाने में स्वादिष्ट लगती है, साथ ही ये किडनी के मरीज के आहार में कुछ बदलाव भी लेकर आती है। इसको बनाना आसान है और किडनी के मरीज इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। इसको दोपहर के खाने में या रात के खाने में मरीज खा सकते हैं। अगला है कच्चे पपीते के कोफ्ते। आप किडनी के मरीजों को कच्चे पपीते के कोफ्ते बनाकर दे सकते हैं। इसको आप रस वाला या हल्का सूखा बना सकते हैं। जैसे मरीज खाना पसंद करें, वैसे आप इसको बना सकते हैं। अगर किडनी के मरीजों को डॉक्टर ने चावल खाना अलाउ किया है, तो आप रस वाले कोफ्ते बनाकर दे सकते हैं। वैसे तो कोफ्ते को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन किडनी के मरीजों को तली हुई चीजें नहीं दी जाती, इसलिए आप कोफ्ते को बेक करके या रोस्ट करके जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कच्चे पपीते की भरवा रोटी। आप अगर किडनी के मरीजों के रोज के आहार में बदलाव चाहते हैं, तो आप उनके सुबह के नाश्ते में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसलिए आप उन्हें सुबह के समय कच्चे पपीते की भरवा रोटी बनाकर दे सकते हैं। इसको आप नमकीन रोटी के रूप में मरीज को दें, ये उनके आहार में एक अच्छा परिवर्तन साबित होगा। अगला है कच्चे पपीते का हलवा। अगर आप इसका हलवा बनाते हैं, तो ये किडनी के मरीजों के आहार में बदलाव के साथ साथ उनके मीठे के सेवन की इच्छा को भी पूरी करेगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जिन्हें डॉक्टर थोड़ा बहुत मीठा खाना अलाउ करते हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है, ये आपको डॉक्टर बताएंगे। इसके बाद पपीते और सूजी को मिलाकर उसका रोस्ट किया हुआ आप कुछ आहार बना सकते हैं, जैसे आप पकौड़े बनाते हैं या आप इसका कटलेट भी बना सकते हैं। इसका सेवन आप शाम की चाय में करें, तो ये मरीज के खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो ये थे कच्चे पपीते से बनने वाले कुछ आहार। जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी के मरीजों को इसका सेवन 7 दिन में एक बार करना है, और वो भी कम मात्रा में। ये जरूरी नहीं कि सभी किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसका सेवन सिर्फ वही लोग करें जिन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो। कि
कि किसी भी आहार को बनाने के लिए कच्चे पपीते का प्रयोग उबाल कर ही करें। इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है इसके लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से संपर्क जरूर करें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यहाँ आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप किडनी मरीजों के आहार को लेकर कोई भी जानकारी चाहते हैं या आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट का? कहाँ से आते हैं? केशवपुरम दिल्ली। अच्छा, आपके कौन है पेशेंट? मदर। जब आए थे इनका क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 2.50 था। अभी कितना है क्रिएटिनिन लेवल? 1.97। कितना टाइम हो गया आपको मेडिसिन स्टार्ट कराए हुए? 17 से स्टार्ट। अच्छे, आपका टेस्ट कहाँ से कराए हैं आपने? लाल लैब। ठीक है, तो अभी वैसे फिट हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हो रही? बहुत अच्छी बात। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ से टेस्ट कराए हैं जिसके अंदर इनका जो क्रिएटिनिन है वो 1.97 आ गया है और यूरिया भी रिड्यूस हुआ है, 112 हो गया है। पहले यूरिया ये 170 के आसपास इनका